सो हे गाइस, तुम्हारा भाई चुका सुहेल बेस्ट न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। सो कैसे आप सब लोग, आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। जैसे गाइस, आज का हमारा जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मुझे करवाना था फोटोशूट। और मतलब आज हम जा रहे हैं लोधी कॉलोनी, वहाँ पे जो है प्रिंटेड वॉल्स है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं वहाँ के जो लोगों ने, इतनी बढ़िया प्रिंट कर रखे हैं वहाँ की वॉल है। सो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए और वहाँ पे फोटोशूट पे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस आज हम वहीं जाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड गाइस, अगर आपने बैचर में ज्वाइन नहीं करी तो जाकर सब्सक्राइब करके बैचर में जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा वैसे इंटरेस्टिंग कूल ब्लॉग्स लाता रहता है। तो चलते बिना किसी देर को एक्सप्लोर करते हैं, फोटोशूट करवाते हैं, लेट्स गो। ओके सो गाइस, हम फाइनली इधर के साथ लोधी कॉलोनी में आ चुके हैं। एंड गाइस, अभी हम मेन लोकेशन पे नहीं पहुंचे हैं, बाकी देख सकते हो पीछे की साइड भाई कितनी सारी प्रिंटेड वॉल है, और इधर की साइड भी है, ये देख सकते हो। मतलब लेट्स गो गाइस, देख सकते हो मतलब कैसी प्रिंटेड वॉल है यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर ये थोड़ी गंदी हो रही है, अभी हम मेन लोकेशन पे पहुंचे नहीं है। बाकी तुम इधर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया बढ़िया, और उधर की साइड भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देख सकते हो भाई साहब। मतलब यार अभी हम पहुंचे भी नहीं तो इतनी बढ़िया बढ़िया लग रही है। अभी हम अपनी मेन लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे चल के अपना फोटो शूट करवाते हैं। मतलब मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मतलब यार इंस्टाग्राम के लिए फोटोज वगैरह के लिए कोई बढ़िया सी, तो मतलब मुझे ये जगह मिली। मतलब यहाँ की जो प्रिंटेड वॉल है भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब एक एक नंबर वाली है। तो चलते भी ना किसी देर के मेन लोकेशन पे, लेट्स गो। I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and won. ओके सो गाइस, तुम्हारा भाई फाइनली इधर की साइड पहुंच चुका है। एंड गाइस, ये जो जगह है लोधी कॉलोनी ब्लॉक 13। एंड गाइस, यहाँ की तुम प्रिंटेड वॉल देख सकते हो कितनी ज्यादा बड़े लग रही है पूरी ऊपर तक। मतलब भाई फाइनली हम इधर की साइड पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ पे ना एक जगह पे सारी वॉल्स नहीं है, अलग अलग जगह पे, मैं तुम्हें पूरी दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा, फोटोशूट भी कराएंगे। एंड गाइस, पहले आपको मैं पेंटिंग वगैरह दिखाता हूँ, कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया है, देख सकते हो। मतलब भाई पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक कर रखी है, मतलब बंदे भाई जिसमें भी करिए ना बहुत ज्यादा बढ़िया करिए। एंड गाइस इधर आ सकते हो, देख सकते हो गुब्बारे वाला किसी का हाला बोले लग रहा। मतलब यार पहली बार ऐसी एरिया में फोटो शूट बहुत ज़्यादा मस्त होती है। इधर की साइड एंटा जी देख सकते हो, गाय वगैरह ही बना रखी दोनों, और इधर तो मिठाई वाली आंटी है हमारी, वही देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है, देख सकते हो। मतलब बिल्कुल भाई ये काजू बर्फी पता नहीं कौन कौन से लड्डू बना रखे हैं, बाकी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह लगी मेरे को ये, देख सकते हो। मतलब अलग अलग जगह पे, और मतलब ये जो मैं फोटोज खींचूंगा वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। बाय द वे, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा तो जाके जरूर फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। बाकी देख सकते हो तो ये बिल्कुल बढ़िया कर रखा है। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो शूट करवाने भी आते हैं, जैसे वेडिंग की, मतलब बहुत तरह तरह की फोटो शूट यहाँ पे होती है। एंड गाइस एक दिखा सकता हूँ तुम्हें, दिखती वो देख सकते हो, येलो कलर में दिख रही होगी आपको, सीधा अपनी फोटो शूट करवाते हैं और मिलते हैं सीधा फोटो शूट के बाद, लेट्स गो। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. जैसे कि देख सकते हो तुम्हारा भाई पूरा आउटफिट चेंज कर चुका है, जैसे कि देख सकते हो। एंड गाइस, दिवाली जो मंथ थी एकदम उस पर हमने शूट करवाया, अभी हम दिवाली पे करवाएंगे, देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो अभी हम फोटो शूट करवाते हैं, बाकी आउटफिट देख सकते हो तुम्हारा भाई का कैसा लग रहा है, मैं बेहतरीन लग रहा है। सो अभी इसमें फोटो शूट करवाते हैं, सीधा फोटो शूट देख spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Devils hide behind
redemption, honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud, music till the wick burns out. It's hard to breathe, but that's alright. Untied.